भदोही पहुंचे एडीसी जोन वाराणसी व डीआईजी रेंज मिर्जापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक भदोही सहित अपराध जीरो टॉलरेंस की बैठक। पीयूष मोडिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी आरपी सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही व अपर पुलिस अधीक्षक भदोही समस्त क्षेत्राधिकारीगढ़ व थाना शाखा प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार कक्ष में पुलिस कर्मियों के साथ सम्मेलन तथा अपराध कानून व्यवस्था के संबंध में गोष्ठी की गई है। समस्त क्षेत्राधिकारीगढ़ व थाना प्रभारियों को क्षेत्र में प्रभावी गश्त व नियमित चेकिंग एवं शासन के जीरो टॉलरेंस के तहत एनडीपीएस व शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही व महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए तथा चोरी की घटनाओं को पूर्णतया रोकथाम व अनावरण तथा समुचित व्यवस्था यातायात के व्यापक पुलिस प्रबंध हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। आईजीआरएस व जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के डिफॉल्टर से पूर्व की स्थिति में समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सभी संबंधित को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही व छोटे से छोटी घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारी गढ़ व थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं पर पीआरवी वाहन द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण तथा पीआरवी वाहन के औसत रिस्पॉन्स टाइम को कम करने हेतु कड़ी हिदायत दी गई है। प्रचलित अभियानों के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा कर समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों को अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए एवं गंभीर अपराध के आरोपियों व पुरस्कार वांछित अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधितों को बिना नंबर प्लेट व त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों के सघन चेकिंग हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। आम जनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना किया जाए सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महिला हेल्प डेस्क व जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ समय जांच करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैरकों की साफ सफाई एवं मरम्मत समय से कराने हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए। अपने सभी साथी अधिकारियों के साथ गोष्ठी करने के लिए आया था और मुख्य मकसद था कि यहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, क्राइम को जो है दूर करने के लिए, रोकने के लिए अन्य किन्हीं प्रयासों की आवश्यकता हो, उसमें अपने स्तर से वार्ता कर सकूँ, विचार विमर्श कर सकूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बात हम सभी चर्चा की कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए और क्या बेहतर उपाय किए जा सके और हम सभी प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि जनपद में ना हो और जो भी अपराधी तत्व हैं उनके लिए विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई और जिस प्रकार से करते हैं भविष्य में भी करते हैं। सर, एक सुनियावा का मामला था, एक आरक्षी एक महिला से एक पैसा लिया था 2.5 लाख रुपया और उसमें महिला ने शिकायत किया था पोर्टल पे कि इसमें 5-6 लोग हैं, उन्होंने बकायदे नाम लिख के दिया था लेकिन एक ही आदमी को भेजा गया जेल, बाकी लोग को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उनका नाम नहीं बताया जा रहा है। क्या पुलिस को उनकी जानकारी नहीं है? जो भी आप प्रकरण बता रहे हैं उसकी कम से कम मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जनपद स्तर की प्रकरण है और इस बारे में मैं अधिकारियों को विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करके आपको बता सकता हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा प्रयास ये है कि कोई व्यक्ति जो गलत करता है चाहे किसी भी स्तर पर उसे बख्शा नहीं हो और ना इंसाफी किसी के साथ ना हो। इस प्रकरण में भी अलग से इनसे जानकारी रखनी है। नहीं सर, अच्छा देखा गया कि बड़े अधिकारी तो काम करते हैं लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए हैं थाने स्तर पे, वहाँ पे लोग कुछ भी बन के SOG बन के क्राइम ब्रांच बन के पैसे वसूली करते हैं और जो पूरी टीम इन लोग की होती है लेकिन एक आदमी को भेजा गया, बाकी लोग को नहीं भेजा गया, ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई की जा रही है? कि प्रकरण में विवेचना प्रचलित है, इस बात का तो मैं समर्थक हूँ कि हमें विवेचना में प्रत्येक बिंदु का परीक्षण करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके विरुद्ध सारे अपराध तुरंत साबित हो रहे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाती है और जहाँ कोई भी ग्रे एरिया हो वहाँ तमाम
विश्लेषण से पहले यदि गिरफ्तारी कर देते हैं, कार्रवाई कर देते, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष को भी सज़ा मिल जाती है गिरफ्तारी की। इसलिए यदि देरी हो जाती है तो कोई बात नहीं, पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो दोषी होगा, और मैं क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, इस व्यक्तिगत तौर पर भी इस प्रकार के जानकारी लूँगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी।